जनपद पंचायत कसरावत के माध्यमिक विद्यालय परिसर सहायता में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में तेज बारिश के बीच में न्यायाधीश और एसडीएम ने मौजूद रहकर वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें धरती को हरा भरा बनाए रखना होगा। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन ने अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ पूजन और विधि विधान के साथ स्कूल परिसर में त्रिवेणी रोपित की, तो वहीं न्यायाधीश राकेश भिड़े और एसडीएम संघप्रिय द्वारा त्रिवेणी और फलदार पौधे रोपित किए गए, जिसमें नीम, पीपल, आम, अमरूद, चीकू और नींबू के लगभग 200 पौधे रोपित किए गए तथा उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज सहायता पंचायत में उत्सव का माहौल है, इतने बारिश के बीच भी पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, क्या उत्सव है सर, क्या मंशा है आपकी? जैसा कि अभी हम लोग ने इतनी राजी खुशी से पूरे जज साहब की उपस्थिति में पूरे विकास खंड स्तरीय अंकुर अभियान के तहत हम लोग ने सहायता स्कूल में एक पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके तहत मैं पूरे संजय शर्मा जी और बीएमसी जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम से शासकीय योजनाओं की जो सार्थकता है वो प्रकट होती, किस तरह से हमारा जो फील्ड का अमला है, जो स्टाफ है, वो पूरे मनोयोग से कार्य करता है। तो मैं पूरे ग्रामवासियों को, जो शाला प्रबंधन समिति है, पूरी टीम को, जज साहब की पूरी टीम को, हमारे जनपद पंचायत की पूरी टीम को, तहसील की टीम को, शिक्षा विभाग की टीम को मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। साथ ही सभी पत्रकार साथी, सभी अधिवक्ता साहिबान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम सभी स्कूलों में आयोजित किए जाएं, सभी शैक्षणिक संस्थान, सभी शासकीय संस्थान में आयोजित कर पौधारोपण अधिक से अधिक इस मौसम में कराकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और पौधारोपण करके अपना एक अभिन्न योगदान दें। सर, जिस तरीके से बारिश के बीच में भी इसको कार्यक्रम को किया गया, क्या पौधों को जीवित रखने के लिए भी इसी तरीके के प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है, हम लोग बिल्कुल छोटे पौधे नहीं लगाए हैं, एक बड़े पौधे लगाए हैं जिससे उनका सर्वाइवल रेट अधिक रहे। इसी प्रकार पौधों के संरक्षण के लिए पंचायत द्वारा जाली लगाई गई है जिससे कि कोई भी पशु या इस तरह से उसको हानि ना पहुंचाए। तो पौधे लगाने की सार्थकता तभी होगी जब उनका हम भविष्य में संरक्षण कर पाए। शिक्षक है हमारे, जो सब मोटिवेटेड शिक्षक है, वो एक शर्मा जी और बीआरसी साहब और हमारे बीओ साहब और इनके अराउंड जो हमारे टीम है वो एक बहुत अच्छी डेवलप हुई है। मैं कहीं ना कहीं आज इस अवसर पर मैं स्वयं से कह रहा हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं एक मन में हमेशा मेरे रहा है कि एक जो एक हमारा जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल आप देखेंगे बहुत ही बड़ा अमला होता है, तो उसमें हमेशा शर्मा जी जैसे शिक्षक अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनते हैं हमेशा। आप जैसे पहले अलीराजपुर में रहे हैं, आपको पुरस्कार भी राज्य स्तरीय मिला है, जहाँ भी रहते हैं आप हमेशा पूरी श्रेष्ठता के साथ, तन्मयता के साथ कार्य करते हैं। इसका ये उदाहरण ये है कि 6-7 महीना पहले जब आपका यहाँ पर पदस्थापना हुआ था सहायता में, तब ये जो भवन हम सभी लोग देख रहे हैं आज, इसकी बहुत ही जर्जर स्थिति थी, परंतु आपने सहयोग से, समन्वय से, संसाधन नहीं होने के बावजूद, ग्रामवासियों से, आप सभी लोग जो उपस्थित हैं, आपसे समन्वय कर एक जो संसाधन जुटाए, एक जो हमेशा रहेगा कि जो एक शासकीय जो सेटअप होता है उसमें जो वित्तीय साधन रहते हैं वो कम रहते हैं और जो बजट स्वीकृति होती है उसमें बहुत समय लग जाता है। इसके बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन, जो ग्रामीण जो अभियान के तहत पर्यावरण के प्रति लोगों को काफ़ी जागरूक किया जा रहा है और पौधारोपण की प्रेरणा दी जा रही है, और इस श्रृंखला में मैं भी देख रहा हूँ कि लोग एक्चुअली में जागरूक हुए हैं पर्यावरण के प्रति, पौधारोपण के प्रति। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन की महत्ता को समझा, पर्यावरण की महत्ता को समझा, वो अब लोगों में जागृति के रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और सभी लोग सामने से बढ़ चढ़ कर प्रयास कर रहे हैं पौधारोपण का। और हमारा कसरावत तो इस दिशा में मेरे ख्याल से बहुत अग्रणी चल रहा है। इसमें हमारे चाहे एसडीएम साहब की टीम हो, तहसील की टीम हो, या हमारे शर्मा जी की शिक्षा विभाग की टीम हो, या न्यायालय के प्रयास हो, अधिवक्तागण हो, हमारे सभी लोग बढ़ चढ़ कर सभी अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही न्यायालय परिसर में भी पौधारोपण किया था, आज यहाँ पर पौधारोपण के हम सब एकत्रित हुए हैं और कल शायद वहाँ पर गायत्री परिवार वालों का भी पौधारोपण का है। तो कसरावत को एक हरा भरा कसरावत बनाने में सभी संस्थाएं मिलजुल कर जो काम कर रही हैं वो वाकई में सराहनीय है। और जैसा कि एकदम साहब ने बताया, शर्मा जी का जो अपनी तो एक भावना है ही काम करने की, उसके अलावा जो सबको साथ लेकर एक टीम के रूप में इकट्ठा करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि न सिर्फ शिक्षा विभाग को, शासन को, प्रशासन को, अपने गांव की टीम को, जनपद लेवल में सबको एक साथ एक मंच पर लाना और फिर एक रूपरेखा तैयार करना और फिर उसको कार्यान्वित करना, ये सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन जब
धरातल पर कार्य करते हैं तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब शर्मा जी करते हैं तो इतने सहज रूप में सारे काम हो जाते हैं। जब भी हमें विधिक सेवा के थ्रू कोई भी काम करना होता है तो मैं इनसे अवश्य ही संपर्क करता हूँ। तो हमारा जो अभियान रहता है उसके प्रति तो एक पॉजिटिव इनका व्यू रहता है। ये अपनी तरफ से भी दो बातें ये बढ़ाकर हमारे सामने पेश करते हैं कि साहब अपन ऐसा भी कर सकते हैं, और वाकई में जो छोटा सा प्रोग्राम हम सोच के चलते हैं वो वाकई में होते होते बड़ी रूपरेखा उसकी बन जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी को इसके लिए देना चाहता हूँ, आज के कार्यक्रम के लिए भी और भविष्य में भी ऐसे ही सेव के मौके अपेक्षा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।